प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। बजट में बेरोजगारी भत्ता सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, रसोइयों और कोटवारों के मानदेय में बढ़ोतरी सहित कई बड़ी घोषणाएं। बिहार में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर छापा मारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट के बाद वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं को केवल स्वास्थ्य मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र के लिए ये प्राथमिकता का विषय है। मिनिस्ट्री तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पर बल दिया है। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज को ये सुविधा देने के पीछे हमारे मन में यही भाव है। इसके तहत अभी तक देश के करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो बीमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे, वो खर्च होने से बचे हैं। कोविड 19 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान जिस तरह से भारत के औषध क्षेत्र ने पूरी दुनिया का भरोसा हासिल किया है, वह अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि महामारी ने सिखाया कि आपूर्ति श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में विदेशों पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेष रूप से आयुर्वेद के सभी हितधारकों से साक्ष्य आधारित अनुसंधान को और मजबूत करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने बजट में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते देने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि रोजगार और पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2,500 रुपए प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार के आर्थिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2,500 रुपया प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 250 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है। बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाकर अब 10,000 रुपए, सहायिकाओं का मानदेय 5,000 रुपए और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रतिमाह 7,500 रुपए किया जाएगा। तो वहीं मितानिनों की प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त उन्हें राज्य मद से 2,200 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय भी दिया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 6,500 प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय 3,250 रुपया से बढ़ाकर 5,000 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के हर छोटी बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 2,200 रुपया प्रति माह की दर से मानदेय दिए जाने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने ग्राम कोटवारों, ग्राम पटेल और होमगार्ड के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की है। सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रुपया को बढ़ाकर 3,000 रुपया, 3,375 रुपया को बढ़ाकर 4,500 रुपये, 4,050 रुपये को बढ़ाकर 5,500 रुपये एवं 4,500 रुपये को बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। ग्राम पटेलों को दिए जा रहे 2,000 रुपये मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये दिए जाने की घोषणा करता हूं। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोइयों को दी जा रही मानदेय की राशि रुपये 1,500 को बढ़ाकर 1,800 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,800 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। राज्य के पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 6,300 रुपया से अधिकतम 6,420 रुपया प्रति माह की वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के संधारण कार्यों के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। अब तक 8,42,289 आवास पूर्ण हो चुके हैं। भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप 2,30,000 ग्रामीण आवास निर्माण हेतु वर्ष 2023-24 में 3,238 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण हेतु 500 करोड़ का प्रावधान है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्मित शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्यौहार के गरिमामय आयोजन हेतु मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिए जाने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। आपको बता दें कि वर्ष 2023-24 के बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तारित किया जाएगा। इसी तरह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर अब 50,000 रुपये कर दिया जाएगा। बजट भाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही को 13 मार्च तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि राहुल गांधी ने अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए विदेशों में भारत को बदनाम किया है। दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सुनियोजित तरीके से भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भाषा, विचार और कार्यशैली संदेहों से घिरी है। भारत के पास आज एक ऐसा नेतृत्व है जो ताकतवर भी है और दूरदृष्टि भी है, और दुनिया भर के नेतृत्व ने कहा कि हमें भारत में विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है। आप भारत के साथ विश्वासघात मत करिए राहुल गांधी जी। आप भारत की विदेश नीति पर आक्षेप आपके निम्न बौद्धिक स्तर का परिचायक है। कभी दूसरी जमीन पर जाकर अपने देश को बदनाम करने का काम जो आप करते हैं, झूठ फैलाने का काम जो करते हैं, इसको कोई मानेगा नहीं। सर, उन्होंने कहा कि बीबीसी पे भी रेड पड़ना बंद कर, मोदी सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर, जो स्वयं भ्रष्टाचार के चलते बेल पर हो। पहले भी रहा, जब दूसरे देशों को हस्तक्षेप करने के लिए कहना, ये गुलामी की सोच से शायद बाहर नहीं आ पाए। और आजादी के 75वें वर्ष में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा है कि गुलामी की सोच से बाहर आना चाहिए, उस मानसिकता से आजादी पानी चाहिए। राहुल जी, आप भी पा लीजिए। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी बार बार भारत पर आक्षेप लगा रहे हैं और कोरोना महामारी के समय भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। केंद्रीय वित्त सचिव अजय सेठ ने कहा है कि लगातार कई उतार चढ़ाव से विश्व को निकालने में G20 ने मदद की है और वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर लगातार निर्देशन उपलब्ध कराए हैं। भारत की मंशा इस पूरे विश्व, विशेषकर दक्षिणी गोलार्ध के लिए और प्रासंगिक बनाने की है। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना एक अवसर है जिसमें सामूहिक समाधान और बहुध्रुवीयवाद पर फिर से भरोसा बनाने का उत्तरदायित्व है। श्री सेठ वैश्विक वित्तीय समावेशन भागीदारी की दूसरी बैठक को आज हैदराबाद में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के साझे भविष्य में व्यापक भूमिका के लिए भारत हमेशा तैयार है। इस बैठक को तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी सचिव जयेश राजन ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने टी वॉलेट जारी किया और 500 रुपए की मुद्रा को डिजिटली पेश किया। उन्होंने कहा कि इस वॉलेट के लिए बैंक खाते या स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है। इसके 13,90,000 उपभोक्ता हैं और इससे 3,50,00,000 रुपए का लेन देन किया गया है। बिहार में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर छापा मारा। छापे के समय उनके बेटे और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री तेज प्रताप भी घर पर मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि CBI राबड़ी देवी से जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ कर रही है। दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने की 27 तारीख को पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी पुत्री मीसा भारती और 13 अन्य लोगों को नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोपों के सिलसिले में समन जारी किए थे। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत की न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने इस बारे में CBI के आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किए हैं। आरोप पत्र में CBI ने 16 लोगों को नामजद किया है और उन पर 12 आवेदकों से रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप है। यह घोटाला सन 2004 से 2009 के बीच हुआ, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। बजट में बेरोजगारी भत्ता सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, रसोइयों और कोटवारों के मानदेय में बढ़ोतरी सहित कई बड़ी घोषणाएं। और बिहार में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर छापा मारा।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।